स्टूडेंट्स ऑफ सीआईएससी बोर्ड, कैसे हैं आप सब बच्चों? बच्चों, आप सबकी भी कॉपी चेकिंग चल रही है, और कॉपी चेकिंग सिर्फ एक टीचर नहीं करता, एक स्टेप्स होता है, सर्टेन वेरियस लेवल्स जिसमें कॉपी चेकिंग होती है। सीआईएससी में कॉपी चेकिंग पहले से ही लिबरल होती थी, और इस बार तो और ज़्यादा लिबरल हो रही है। सीबीएसई में भी लिबरल हो रही है, तो सीआईएससी और सीबीएसई जो होते हैं ना, वो पैरेलल ही चलते हैं। तो यहाँ अगर होगा तो यहाँ भी होगा, इवन सीआईएससी में ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर आपका आंसर इवन अप्रोचिंग है करेक्शन के, तो सीआईएससी ने ऑल पॉसिबल वेज लगा रखे हैं कि आपको नंबर मिले। ठीक है, मार्क्स तभी कट होंगे अगर आपका आंसर बिल्कुल वेग है, क्लियर ही नहीं है, रॉन्ग है, यानी इनकरेक्ट है, इररिलेवेंट है, क्या आपने कॉपी खाली छोड़ दिया, तभी आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने स्टेप्स लिखे हैं या अटेम्प्ट लिया है, तो आपको उसके नंबर मिलते हैं। अब बात करते हैं मॉडरेशन पॉलिसी की। मॉडरेशन पॉलिसी सीआईएससी डिसाइड करेगी। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है। अगर 80% भी लाने में बच्चों को दिक्कत होती है, तो उनकी अपनी टीम होती है जो डिसाइड करती है कि मॉडरेशन किस सब्जेक्ट में लगाना है, किस में नहीं लगाना है। सेम गोज विद ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं, तभी बच्चे जो है ना, दो चार नंबर से फेल नहीं होते। ठीक है, अब जो होते हैं उनको ये समझ लो कि इतने पॉलिसीज के बाद भी वो बच्चे पास नहीं हो पाते। ठीक है, MCQs भी अगर आपने किया है करेक्ट, तो नंबर मिलेंगे। MCQs में स्टेप की मार्किंग, अटेम्प्ट के नंबर तो नहीं होते, आइदर राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो टीचर्स के पास भी आंसर स्क्रिप्ट होता है, जिसके अकॉर्डिंग ही वो मार्क्स देते हैं, और थोड़ा लिबरल करके ही देते हैं। अगर क्वेश्चन ही एम्बिगस है, या आउट ऑफ सिलेबस है, या कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, कभी कभी होता है ना, ऑप्शन आर वेरी कन्फ्यूजिंग या रॉन्ग, इरोनियस, तो वहाँ पर भी भर भर के नंबर दिए जा रहे हैं। तो कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से चल रही है। अब रिजल्ट जो है आपका, रिजल्ट फॉर्मेशन होगा कुछ दिनों बाद, तो देखो सेकेंड वीक ऑफ मे में आपके रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं, हो सकता है उससे पहले भी रिजल्ट आए। तो जो भी अपडेट होगा बच्चों, आपको चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। सो आप चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।